हाय गाइस, अगर आप लोग फुल हैवी और गोलू मोलू से पपीज परचेज करना चाहते हैं और वो भी दो अलग अलग कलर्स में, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ दी फेमस डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है लैब्राडोर। और दोस्तों, इन पपीज की क्वालिटी देखकर अगर आप लोगों का मन 50% था इस ब्रीड को परचेज करने का, तो आज वो 100% होने वाला है, क्योंकि भाई पपीज बिल्कुल पंच फेस में है। और आप लोग हेल्थ देखिए, भाई मुझे पर्सनली काफी पसंद आए। तो चलिए बात करते हैं इन पपीज के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और शॉर्ट टेल में है। और जिन लोगों की अलग अलग पसंद होती है कलर्स को लेकर, तो वो भी ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो ब्लैक कलर के पपीज भी अवेलेबल है और गोल्डन कलर के भी, क्योंकि भाई उन्होंने दो अलग अलग डॉग से मैटिंग करा रखी है और दोनों ही डॉग्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस, उनके बारे में बात करने से पहले आप लोग पपीज की एक्टिविटीज देखिए। सभी पपीज बहुत ही एक्टिव हैं और ये सही भी है, क्योंकि भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी पपी को परचेज करो तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो कितना एक्टिव है। अगर आप लोग किसी लेजी से पपी को परचेज करोगे तो हो सकता है कि वो बीमार हो या आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एंड लैब्राडोर के ऊपर आप लोगों को इतने ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्हें एक प्रीमियम फूड दे, अदरवाइज लैब्राडोर होममेड फूड पे काफी आसानी से रह सकते हैं। बट हमेशा डॉग्स के लिए आप लोगों को एक बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी डॉग ब्रीड हो। अगर आप लोग उन्हें ओवर फीडिंग करोगे तो हो सकता है कि वो काफी मोटे हो जाएं। एंड यू नो गाइस, मोटापा किसी भी चीज के लिए सही नहीं है, चाहे वो डॉग्स हो या फिर ह्यूमंस। तो गाइस, इस चीज की तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग इन पपीज को परचेज करते हो और बाद में अपने आसपास किसी और के पपीज को देखोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये जरूर लगेगा कि हमारे वाले काफी बेटर हैं, क्योंकि पपीज पंच फेस में होने के साथ साथ हेड साइज भी काफी हैवी है। बाकी ये चीज तो हर किसी को पता कि लैब्राडोर फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए एक परफेक्ट डॉग ब्रीड है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को इनके पेरेंट्स से ही मिलवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि बड़े होने के बाद पपीज की क्वालिटी किस टाइप की होने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग पपीज की मदर को देखिए। भाई फीमेल बहुत ही शानदार क्वालिटी की है और अभी भी काफी हेल्दी है पपीज को देने के बाद भी। और अब मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ जिस डॉग से इसकी मैटिंग हुई है। तो फर्स्ट ही तो आप लोग ये ब्लैक कलर का डॉग देखिए, भाई अल्टीमेट क्वालिटी है, क्वालिटी में आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और जो सेकंड डॉग है वो है ऑफ व्हाइट कलर में, तो दोनों ही क्वालिटी बहुत ही शानदार है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को डॉग ओनर से और कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस, ओनर के पास टोटल 6 पपीज अवेलेबल हैं और ये 35 डेज के हो चुके हैं। और ओनर की जो लोकेशन है वो है चाणक्यपुरी, दिल्ली NCR से। एंड डिलीवरी आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, बिकॉज ओनर जॉब करते हैं, इसी वजह से वो आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। आप लोगों को डायरेक्ट ओनर को विजिट करके ही इन पपीज को परचेज करना होगा। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें, तो पपीज सॉलिड क्वालिटी में और काफी गोलू मोलू से हैं। तो उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 13,000 रुपीज, 13,000 रुपए। एंड फीमेल की है जस्ट 10,000 रुपीज, यानी सिर्फ 10,000 रुपए। और फीमेल जो है वो एक ही अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ आज की इन पपीज की क्वालिटी और इनका प्राइस आप लोग को पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय।